12460 के युद्ध में पिछली बार काफी फर्जीवाड़ा हुआ था, 25 लोगों को टेरिटरी दिया गया था और 7-8 लोगों के जो बाह्य जनपद वालों जो को बना दिया वो भी अवैध थे। तो इस अनियमितताओं के कारण यहाँ पर एसटीएफ ने जांच की, इस पूरे मामले की एसटीएफ ने जांच की थी और यहाँ की जो मूल पत्रावली थी वो एसटीएफ वाले अपने साथ ले गए। हम लोग चाहते थे कि अनियमितताएं न हो, एकदम पारदर्शी प्रक्रिया के साथ चयन हो, इसलिए हमने सचिव शिक्षा परिषद से मांग की कि हमको मतलब लिस्ट दी जाए ओरिजिनल, फोटो कॉपी जो थी लेकिन ओरिजिनल, ताकि उसमें कोई अनियमितता कोई त्रुटि न रहे, पारदर्शिता के साथ चयन हो। हमने उनसे सूची कल शाम को 4 बजे के बाद हमें उनसे सूची कहा, लेकिन वो सूची तो मिल गई, लेकिन उसके अगेंस्ट जो चयन कितने लोगों को हुआ था वो कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं थी। जो चयन हुआ था, किसका चयन नहीं हुआ था, किसका चयन हुआ था, किस पर आपत्ति आते हैं, किस पर नहीं रहा, वो सारा रिकॉर्ड भी वाले अपने साथ देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ जो कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो बिना रिकॉर्ड के अगर कोई हम सूची जारी कर देते तो उसमें संभावना यह थी कि गलत लोग भी उसमें आ जाते, जो अपात्र थे वो भी आ सकते थे, क्योंकि यहाँ कोई जानकारी नहीं थी। तो हमने पत्र लिखकर उनसे मांगा है कि हमें मूल पत्रावली दे दी जाए, ताकि हम ये देख लें किसका चयन विधिवत था किसका नहीं था, उसके आधार पर हम जो है उसमें से रिक्तियां निकाल सकें कि हमारे कितने पद रिक्त हैं, और जो पद रिक्त है उसके सापेक्ष ही हम अंतिम चयन सूची जारी कर सकें। मेरी बात समझ रहे आप लोग? तो अगर हमें वो मिल जाएगी उसके बाद फिर हम फाइनल सूची जारी कर पाएंगे। आज हम इस स्थिति में नहीं है कोई सूची आपके सामने जारी कर दें, ठीक है, इसलिए ये विलम्ब हुआ है। तो जैसी ही सूची मिल जाएगी, ठीक है, हम अंतिम चयन सूची जारी करेंगे। इस संबंध में हमने वैसे शिक्षा परिषद के सचिव से पत्राचार किया है, उनसे फोन पर भी बात की है और उनसे समय मांगा है, ठीक है। तो कुछ समय हमको मिल जाएगा, वो 2 दिन का मिल जाए, 4 दिन का मिल जाए, 1 हफ्ते मिल जाए, जैसा भी मिलेगा हम मिलकर विज्ञप्ति के माध्यम से आप सबको सूचित करेंगे। आपको उसके बाद फिर आपको तब तक के लिए आज के जो हमारी उसको स्थगित किया जाता है।